नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, स्वागत है आपका 3.OTV पर। दोस्तों, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, जब बात सेलिब्रिटीज की होती है तब कॉन्ट्रोवर्सीज का होना तो आम बात है। बड़े से बड़े सेलेब्स भी विवादों से अपना दामन बचा नहीं पाए हैं। मौजूदा हालात में दुनिया भर के कई बड़े नाम सुर्खियों में है, जिसकी वजह वेब थ्री की दुनिया है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों क्रिप्टो एंडोर्समेंट को लेकर मशहूर सेलेब्स मुश्किल में है और क्या है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भारत के रुख। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सेलेब्स ने वर्चुअल करेंसीज के मामलों को लेकर अपने आप को अचानक कानून के दायरे में पाया है और इसकी वजह यह है कि इन सेलेब्स ने पिछले कुछ वर्षों में क्रिप्टो को खुलकर बढ़ावा दिया है। इनमें टॉप हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, एथलेटिक्स और टेलीविजन सेलेब्स के नाम शामिल है, जिन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार सोशल मीडिया, म्यूजिक वीडियोज और यहाँ तक कि इंटरव्यू दिए हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले क्रिप्टो से जुड़े मामलों में किम कार्डशियन और फ्लॉयड मेवेदर पर क्रिप्टो करेंसी ईमैक्स को प्रमोट करने के लिए किया गया क्लास एक्शन सूट था। इसके बाद अब एप यॉट क्लब NFT के क्रिएटर्स के खिलाफ फाइल किए गए क्लास एक्शन लॉ सूट में जस्टिन बीबर, पोस्ट मैलोन, मडोना और कई दूसरे सेलेब्स के नाम भी शामिल है। इस साल जनवरी में किम कार्डशियन पर US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी ICC ने क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कीम में कथित रूप से शामिल होने के लिए $1.26 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल किम ने सोशल मीडिया पर अपने बड़े फैंस के सामने ये नहीं बताया कि ईमैक्स प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए उन्हें अच्छा मुआवजा दिया गया था। वह जस्टिन बीबर और अन्य पर फाइल किए गए सूट में आरोप लगाया गया है कि BAYC के क्रिएटर्स ने मशहूर हस्तियों को आर्टिफिशियली अपने NFTs की वैल्यू को बूस्ट करने के लिए साथ लाया, जिसकी वजह से बायर्स को उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जस्टिन बीबर के अलावा इस मामले में सेरेना विलियम्स, स्टीफन करी, स्नूप डॉग, फ्यूचर, डिप्लो, ग्वेनेथ पेल्ट्रो, केविन हार्ट और अन्य नाम भी शामिल है। इन दोनों के अलावा हाल के सबसे गर्म मामलों में से एक FTX के खिलाफ क्लास एक्शन लॉ सूट में भी कई नाम सामने आए हैं। लिस्ट में FTX विज्ञापनों में नजर आ चुके शकिल ओनिल, जिसेल बर्चेन, नाओमी ओसाका, स्टीफन करी, लैरी डेविड और टॉम ब्रेडी के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, इन विज्ञापनों में से एक में NBA के एक जाने माने प्लेयर स्टीफन करी को एक क्रिप्टो विशेषज्ञ होने से इनकार करते हुए देखा गया, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि वो FTX के साथ है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आज की तस्वीर क्या है। तो दोस्तों, ये हुई हॉलीवुड और अन्य जगत से जुड़ी बातें। अब क्रिप्टो करेंसी के सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर भारत के रुख पर नजर डालते हैं। तो भारत की बड़ी युवा आबादी में से 50% से ज्यादा युवा 25 वर्ष से कम आयु के हैं, जो बॉलीवुड से काफी ज्यादा प्रभावित है। पिछले साल अगर बात करें, जब क्रिप्टो मार्केट में तेजी का माहौल था, भारत में कई क्रिप्टो एक्सचेंज अपने ब्रांड का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड हस्तियों तक पहुंच बना रहे थे। लोकप्रिय भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे CoinDCX, CoinSwitch कुबेर, BitBNS आदि ने नेशनल टेलीविजन और सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान खुराना, रणवीर सिंह, दिशा पटानी आदि जैसे बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ हाथ मिलाया था। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCII ने पाया कि निवेशक गोल्ड पर मिलने वाले रिटर्न की तुलना क्रिप्टो करेंसी से कर रहे थे। इसके मद्देनजर मई 2022 में सेबी ने क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाली भारतीय हस्तियों पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा। वही मार्केट रेगुलेटर ने भी क्रिप्टो विज्ञापनों में डिस्क्लेमर जोड़ने का भी सुझाव दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई मशहूर हस्ती किसी क्रिप्टो सर्विस या प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो उन्हें इन एसेट्स के साथ आने वाली फाइनेंशियल रिस्क को उजागर करना जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो इससे लोग गुमराह हो सकते हैं और इन सेलेब्स को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी सभी अपडेट्स लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहिए 3.OTV।